ਘਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੀਲੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਲਸਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਾ ਜੀ ਐਸ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂ ਜੀ ਨਾ।
जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। Yeah.
Thank you.
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਰਭਾਈ ਕਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੀ ਅਸਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੀਲਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ thank you.
Thank you.
Yeah.
सतगुर की रहमत न मिलया हुआ जीवन बड़ा ही कीमती है। सतगुर ने रहमत करके सानू मुर्गा दे ही बख्शिश की। इस संसार की खेड उस मालिक के अपने हाथ में है। सतगुर का पवित्र फरमान है, जो आया सो चलती सब कोई आई वाली है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु मसारी है। ते शहादतों का इतिहास है साडा 1984 के उन्होंने महान शहीदों को समर्पित होकर अनेक वीर वालों उपराले किए जा रहे हैं। संगत घरे घरी बैठ के बाणी जुड़न का अज का यह समागम भी 1984 के उन्होंने महान शहीदों को समर्पित होकर साढ़े बड़े ही प्यारे सरकारी गुरु गुरप्रीत सिंह जी कंडाला लुधियाने तो उन्होंने उड़िया है, नाल ही पाकिस्तान के बीच तो भी लाइव चल रहा है। आओ 5-7 मिनट होर सेवा करा क्योंकि लाइट मौसम के करके चली गई है ते गर्मी दे विच साडे तबले वाले सिंह भी सेवा निभा रहे हैं, असीं उन्हां दा ख्याल करते हैं। 5-7 मिनट होर सेवा करांगे। साहिबां दे पावन पवित्र चरणां विच अरदास बेनती है जिन्हां वीरां ने उपराला किया, सतगुरु जी उन्हां दी सेवा नूं दर प्रवान करन। जो समा सानू सारयां नूं मिलिया सतगुरु दी पावन बाणी दा गायन करन दा, कीर्तन द्वारा संगतां नाल मिल के उस मालक दे चरणां विच जुड़न दा, इस समय दा शुकराना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणां विच करदे हां ते अरदास करदे हां कि सतगुरु जी रहमत करन रहिंदा जीवन साडा सारिआं दा ही आप संगत की सेवा करदे अपीत हो जाए। एक एक श्वास गुरु का बख्शा होया है, किस तरह जीवन साडा चलना है गुरु जानता है। गुरु रहमत करे रहिंदे श्वास साडे सफल हो जाण। इस अरदास दे नाल आओ प्यार अदब सत्कार दे नाल एक जयकारे वाला शब्द गायन करके कीर्तन की समाप्ति करिए। जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर धरतर की गली मेरी आओ, मेरे सारे वीर गल बद के जयकारा बुलाणगे ते जिहड़ी संगत इलैक्ट्रॉनिक मीडिया राही संगतां घर विच इह कीर्तन सुन रहियां हन जयकारे दे नाल अपनी हाजरी लवा के उन्हां महान शहीदां दे चरणां विच नमस्कार करन दी कृपालता करो जी। आओ रल मिल के जुड़ जाइए।
इतना समा प्राप्त होया उस अकाल पुरख के चरणों का शुकराना अदा करदिया अरदास बेनती की है उस मालिक के चरणों में 1984 के शहीदों को समर्पित होकर अज समागम लुधियाने तो बड़े ही कार्य किए गुरप्रीत सिंह जी फंडाला उन्होंने पेज तो पाकिस्तान की संगत वालों उपराला किया गया कीर्तन दरबार पाकिस्तान के पेज तो भी यह समागम लाइव संगत सरवण कर रही हैं दसवें भी हाजिरी प्राप्त हुई भाई साहब भाई तुलसी सिंह का हुक्म होया क्योंकि असल इन्होंने लाइव होना सी पर बीजे ने मैंने हुक्म किया कि नाल तुसी जरूर हाजिरी भरनी है सो सतगुर की कृपा मेरे के उपर हुई भी मैं भी आप संगत की सेवा कर सकिया नाल ही पंथ के महान तबला वादक साडे सत्कारयोग अजीत सिंह जी विक्की वीर जी देखो बेशक सामने नहीं हैं पर सारी दुनिया उन्होंने जानती है साडे नाल बैठे हैं उन्होंने बहुत बहुत साथ दिता है शब्दों गायन किया बड़े प्यार गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके अपनी हाजिरी उस मालिक के चरणों में लवाई है गुरु रहमत करे सारे ही परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करे सारे पंथ को आपसी प्यार विवर्तन इतफाक भाई साहब भाई तवनीत सिंह जी आप जी का धन्यवाद करेंगे दास वालों आप जी ने इतनी सेवा प्रवान करनी बोलदे गुरबाणी में गायन करदिया हुई भुला लिखेवा आओ प्यार और उस कारण भाई साहब भाई तवनीत सिंह जी आप संघ का धन्यवाद करेंगे जी गुरु प्यारी सात संगत जी हमने आप जी ने पंथ के अति सत्कार जो कीर्तनी भाई साहब भाई इंद्रपाल सिंह जी चंडीगढ़ वाले उन्होंने मिठी रसना पासों आप जी ने कीर्तन सरवण किया है भाई साहब जी ने जो भी गल्लां बाबत कीतियां हन उस तो बाद मेरा कहना कोई वैसे मायने नहीं रखता क्योंकि साढ़े सीनियर कीर्तने हैं मोस्ट सीनियर ने कीर्तने हैं तो साढ़े व्डे हैं व्डे भरा हैं तो इस तो बाद छोटा भरा बच्चे बोले फिर अच्छा नहीं लगता सो आप सारे रल के गज बज के फतेह बुलावांगे जी आओ सारे फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी